I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. को हम लोग एडिट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कमांड खोलते हैं, और कमांड खोलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉपी स्पेस कौन से एक फाइल बना लेंगे। फाइल का मैंने नाम दे दिया अमर। क्या दे दिया मैंने? अमर। मैंने इसके अंदर कुछ मैटर लिख दिया, जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने अमरजीत इज ए वेरी गुड एम्प्लॉय। इस फाइल को बनाने के बाद हम क्या करने जाएंगे कि इस फाइल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेव करते हैं। तो कंट्रोल प्लस जेड एफ सिक्स हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम जब भी अगर टाइप करते हैं तो टाइप स्पेस फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है मेरा अमर। जैसे हम यहाँ से अमर टाइप करके इंटर मारेंगे तो वो मेरा मैसेज दे देगा। अब बाद में मुझे ये इस मैसेज को अगर एडिट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिट स्पेस फाइल का नाम अमर डालेंगे। जैसे अमर डालेंगे ये मेरा मैसेज एडिट कमांड में जा चुका है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि कोई भी मैसेज को या कोई भी सेंटेंस को डिलीट करके उसके अंदर मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ। जैसे अमरजीत इज ए वेरी गुड स्टूडेंट, मैं यहाँ से मैसेज कर दिया। अब इस फाइल को मुझे सेव करना, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, फाइल में जाएंगे, और फाइल में जाने के बाद सेवेज में जाएंगे। आप चाहे तो उसी नाम से सेव कर सकते हो, आप चाहे तो अलग नाम से भी सेव कर सकते हो। तो मैं चलिए उसी नाम से हम सेव कर रहे हैं, और सेव करने के बाद ओके करके फाइल में जाके एग्जिट से बाहर निकल जाएंगे। अब हम चलिए टाइप करके चेक कर लेते हैं कि एडिट हुआ या नहीं हुआ। तो टाइप स्पेस अमर लिखकर जैसे इंटर मारेंगे तो आपका मैसेज चेंज हो चुका है। यानी इस तरीके से हम फाइल को एडिट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि एडिट कमांड को यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सी प्रॉम्प्ट में जा करके एडिट जैसे लिख करके इंटर प्रेस करेंगे, आपका एडिट कमांड आ चुका है। इसमें बहुत सारे मेन्यू दिया हुआ है, फाइल एडिट सर्च व्यू ऑप्शन ये सब दिया हुआ है। चलिए हम आज पढ़ेंगे कि फाइल मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन का यूज होता है। तो मान के चलते हैं कि मैंने कोई मैटर टाइप कर दिया है कि इंडिया इज ए वेरी लार्जेस्ट कंट्री, कुछ भी मैसेज दे दीजिए लार्जेस्ट कंट्री। इस फाइल को मुझे सेव करना है, तो कहाँ चले जाएंगे, फाइल में जाकर के हम लोग यहाँ से सेव कर लेंगे। फाइल का नाम मैंने दे दिया इंडिया। क्या दे दिया मैंने? इंडिया। चलिए इस फाइल को बनाने के बाद हम चाहते हैं क्या कि इस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, क्लोज ऑप्शन में जाएंगे, फाइल बंद हो चुका है। हम चाहते हैं कि उसी फाइल को हम वापस उस पर वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए वापस हम लोग फाइल मेनू में जा करके ओपन में जाएंगे, जिसमें हम क्या करते हैं कोई भी फाइल को हम लोग क्या करते हैं ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइल का नाम क्या दिया हुआ है? इंडिया। फाइल का जो नाम दिया रहेगा चाहे तो आप टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप ले सकते हैं इंडिया। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया, खुल गया। चलिए अब इसके अंदर मैंने क्या किया, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं फाइल को, तो मैं यहाँ से मॉडिफाई फाइल में ले लेता हूँ, यहाँ से रिटेन बाय अमरजीत, रिटेन बाय अमरजीत। इसको भी हमको सेव करना है, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, सेवेज में जाएंगे, और फाइल को हम लोग क्या करते हैं उसी नाम से सेव कर देते हैं। अब इस फाइल को मुझे क्या करना है कि नया डॉक्यूमेंट लेना है, तो नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए क्या करते हैं, न्यू में जाते हैं, नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अगर इस फाइल से बाहर निकलना है, इस प्रोग्राम से एडिट कमांड से बाहर निकलना है, तो एग्जिट पे क्लिक करके हम बाहर निकल सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि एडिट कमांड का यूज, एडिट मेनू का यूज कैसे करते हैं। एडिट मेनू के अंतर्गत चार ऑप्शन दिया गया हुआ है, कट कॉपी पेस्ट क्लियर, जिसका यूज हम लोग इस तरीके से करते हैं। मान लीजिए कि मैंने कुछ मैटर लिख दिया या कुछ सेंटेंस लिख दिया, इसी सेंटेंस को बार बार मुझे लाना है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद उस सेंटेंस को बार बार लाने के लिए क्या करेंगे, पेस्ट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? या तो सॉकेट की का भी यूज कर सकते हैं, जिसका पेस्ट का सॉकेट क्या होता है, कंट्रोल प्लस भी होता है। अब हम इस मैटर को मान के चलते हैं कि इस लाइन को, दो तीन लाइन को मुझे हटाना है, कट करना है, तो उसके लिए सिलेक्शन लेके कट पे क्लिक करेंगे, कट से हट जाएगा। अगर इस मैटर को डिलीट करना है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्शन लेके एडिट में जाके यहाँ से डिलीट करेंगे, या तो कीबोर्ड के जरिए डिलीट कीजिए, या तो ऑप्शन के जरिए डिलीट करते हैं। हम लोग इस तरीके से कोई भी मैटर को डिलीट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर सर्च कोई भी अगर मैटर लिखा हुआ है, तो हम लोग उसका फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो चलिए जब भी फाइंड आउट करने की बारी आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट लाइन में कर्सर रखेंगे, सर्च में जाएंगे और फाइंड में लिखेंगे, जो लेटर आपको फाइंड करना हो। हम लोग मान के चलते हैं कि एस लेटर फाइंड आउट करना हो, तो ओके करेंगे। अब इसको देखना है कि कहाँ कहाँ पे एस लेटर है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, F3 का यूज करते हैं। क्या करते हैं? F3 का यूज करते हैं। जहाँ F3 का यूज करें, तो ये क्या कर रहा है कि आपको जहाँ जहाँ पे है वो दिखाते जा रहा है। उसके बाद लिख दिया है कि नो मोर मैचेस फाउंड, यानी आगे सर्च नहीं कर सकता है, क्योंकि आगे लेटर दिया हुआ है ही नहीं। अब सवाल उठता है कि सर मुझे क्या करना है कि एस लेटर के जगह पे या एस वर्ड के जगह पे, कोई वर्ड के जगह पे, उसके जगह पे कोई और वर्ड लाना है, तो हम लोग कुछ नहीं करते, रिप्लेस में जाते हैं। रिप्लेस में जाने के बाद एस के जगह पे मैं ले लिया यहाँ से गया कॉलेज, मैंने कुछ मैटर ले लिया है गया कॉलेज।
अब अगर हम यहाँ से रिप्लेस करते तो वन बाई वन चेंज करेगा, यहाँ से इस तरह से वन बाई वन चेंज करा, जहाँ जहाँ पे ए से आपका, ठीक है। अगर आपको मान लिया जाए कि चेंज नहीं करना तो उस कंडीशन में हमें स्किप का यूज कर सकते हैं, वो चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर मुझे एक साथ मुझे सभी को चेंज करना तो रिप्लेस में जाकर रिप्लेस ऑल करेंगे और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा चेंज हो जाएगा, चेंज कम्प्लीट, ठीक है। अब यहाँ से हम सीखेंगे कि सर इस विंडो को हमको दो भाग में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम लोग वापस जाते हैं व्यू में और इसे स्प्लिट करते हैं। जैसे स्प्लिट करेंगे तो विंडो को दो भागों में बांट देगा। अब इस विंडो को दो बराबर भागों में बांटा है, किसी का स्पेस मुझे कम करना है या ज़्यादा करना है, तो उस कंडीशन में वापस जाएंगे साइज विंडो में, और साइज विंडो में जाने के बाद इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी विंडो का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि नहीं सर मुझे ये दो विंडो को हटाना है, तो हम क्लोज विंडो का यूज करेंगे। जैसे क्लोज विंडो का यूज करते हैं वो वापस आपका सिंगल वीडियो में कन्वर्ट कर देता है। अब सवाल उठता है कि सर ऑप्शन में हम लोग सेटिंग का यूज कैसे करते हैं, तो सेटिंग का यूज हम लोग करते हैं कि एक कॉलम में लिखने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जा करके जितना टैब पोजिशन लेना हम लोग ले लेंगे। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ, नेम और यहाँ से सैलरी। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इक्वल कॉलम में आपका लिखा रहा है सारा नाम वगैरह, यानी इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, टैब पोजीशन का यूज हम लोग कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि सर मान के चलते हैं कि मुझे क्या करना है, यहाँ से इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो कलर में जाएंगे और कलर में जाके इसका बैकग्राउंड कलर जो भी आपको लेना हो, जैसे मान लीजिए कि मैं ले लिया ब्राइट रेड ले लिया, अब फोरग्राउंड का कलर मुझे करना है ब्राइट येलो करना है, तो बस ओके करेंगे, यहाँ से आपका कलर चेंज हो चुका है। यानी इस तरीके से हमें सारा ऑप्शन का यूज करते हैं। स्टॉप।